जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। लीजिए आज फिर एक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बनाने में बहुत ही आसान। खिचड़ी तो आप सबने बहुत खाई होगी, मूंग चावल वाली। आज हम खिचड़ी बनाएंगे पर बिल्कुल अलग तरीके से, इतनी टेस्टी की बिरयानी भी फिर इसके सामने। इसके लिए यहाँ पर हम एक गिलास में चावल और दाल का मेजरमेंट ले लेते हैं। चावल यहाँ पर हमने 3/4 ग्लास तक भर लिया है, यानी कि 3 हिस्से चावल है और उसमें यहाँ पे 1 पार्ट हम दाल ले लेंगे। दाल मैंने यहाँ पे तूर की ली है, आप मूंग की भी ले सकते हैं, पर तूर की दाल के साथ भी बनाना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 3 हिस्से चावल है, 1 हिस्सा दाल है, ये मेजरमेंट याद रखना। इसे हम पानी डालकर अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी हो अच्छे से साफ हो जाए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे कि रेसिपी और भी अच्छी बनेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया है तो। अब यहाँ पे कुकर में हम 2 से 3 छोटी चम्मच के करीब घी ले लेंगे। जब अच्छा से गर्म हो जाए तो इसमें हम अपनी दाल और चावल का जो मिक्सचर है वो डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक भून लेना है, जब तक कि इसमें अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। इससे क्या होगा ना, खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे अच्छे से भून लेंगे हम और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जिस गिलास से हमने चावल और दाल का मेजरमेंट लिया था ना, उसी से नाप के हमें लगभग 4 गिलास के करीब उसमें पानी डाल देना है। बाकी पानी हम बाद में डालेंगे अगर हमें और लगेगा तो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नीचे चावल चिपक गए हो तो वो निकल जाए। और इसका हम ढक्कन लगा देंगे। इसमें नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और 2 सीटियां आने तक इसे कुक करना। तब तक यहाँ कुछ सब्जियाँ ले लेनी है, 1/4 कप के करीब गोभी, 1/4 कप मटर, 1/4 कप के करीब फ्रेंच बीन्स इस तरह से लंबी कटी हुई, 1/4 कप के करीब गाजर ये भी लंबी लंबी काट लेना है। यहाँ 2 बैंगन ले लें, इसे हम अलग से यूज़ करेंगे। यहाँ 3 हरी मिर्च लिए, इसमें कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगा लेना सारी मिर्चों में। और यहाँ 8-10 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। इन सब्जियों को हम सेपरेटली सॉटे करेंगे। उसके पहले हम यहाँ बैंगन को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह से हमें बैंगन को पतला पतला काट लेना है। आप चाहे तो बड़ा वाला बैंगन भी ले सकते हैं। और इसे हम नमक वाले पानी में डाल देंगे जिससे कि बैंगन काले ना पड़े। तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल लेंगे या फिर कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें मिर्ची फ्राई कर लेनी है। इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करिएगा, इस तरह से जब कलर चेंज हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। इस मिर्ची को हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे हम रख देंगे साइड में निकाल कर कटोरी में। अब इसी कढ़ाई में हमें डाल देना है लहसुन और इसे हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे हम चाइनीज डिश में लहसुन को हाफ फ्राई करते हैं वैसा। अब इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां आप इसमें मन पसंद डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और यहाँ सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, हाफ कुक ही करना है। तो इन्हें हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, 4 से 5 मिनट में ही अच्छे से पक जाएगी। थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग जाए तो हमें इसे बंद कर देना है गैस को। यहाँ 1/2 चम्मच के करीब हमें काली मिर्ची ले लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम कुक होने देंगे थोड़ी देर। तब तक हम यहाँ बैंगन का मसाला रेडी कर लेते हैं। उसमें 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक और नमक स्वाद अनुसार ले लिया और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। यहाँ 1 चम्मच मैंने चावल का आटा ले लिया, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब बैंगन को पानी से निकाल के उसका पानी अच्छे से साफ करके हमें उसको इस तरह से मसाले में कोटिंग लगा लेंगे, मसाले की कोटिंग बैंगन में। देखिए इस तरह से कोटिंग लगानी है। तो इस तरह से हमें सारे बैंगन को इसमें से लगा लेना है मसाले को। लीजिए रेडी है हमारे बैंगन भी। अब यहाँ पे बीच बीच में हमें सब्जी भी चेक कर लेंगे, ये रेडी हो गई है। तो हमें इसको गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ सब्जी को ओवर कुक नहीं करना है तो इसे इस तरह से हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से सॉटे सब्जी करके आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ऐसे भी मसाला डाल के खा सकते हैं। इसमें जो बैंगन वाला मसाला रेडी किया थोड़ा सा वो डाल देंगे। अब यहाँ हम तवे पर थोड़ा सा तेल ले लेंगे, 1 से 2 छोटी चम्मच सरसों का। और इसे इस तरह से फैला लेना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इस पर हमें बैंगन एक एक करके रख देंगे।
तो इस तरह से बैंगन बना के खाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से सारे बैंगन रख लेने हैं और इन्हें एक मिनट के लिए हमें एक तरफ से भून लेना है। तब तक हम अपनी खिचड़ी भी चेक कर लेते हैं कि दो सीटी लग गई थी, तो ऊपर खोल के चेक कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हुई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, परफेक्टली। अगर थोड़ी सी गाढ़ी है तो हम इसमें बघार लगाएंगे, तो इसमें पानी डाल देंगे। उसके लिए यहाँ कढ़ाई में 2 से 3 छोटे चम्मच घी ले लेना है, इसमें एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। इन्हें अच्छे से भून लेना है। जब जीरा अच्छा तड़कने लग जाए तो हमें इसमें 8-10 करी पत्ते और 1 हरी मिर्च 2 टुकड़े किए हुए वो डाल देंगे। फिर 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसको डालकर हमें अच्छे से भून लेना जब तक कि प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक हम अपने बैंगन भी पलट लेंगे ताकि ये जल ना जाए। 1 मिनट बाद ही हमें इसे इस तरह से पलट लेना है, ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। दूसरी साइड से भी हमें इसे 1 मिनट के लिए भून लेना है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा अगर लगे तो। तब तक हम अपने प्याज भी देख लेंगे, ये अच्छे सॉफ्ट हो गए तो इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ, इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी पक जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसको भूनना है। बीच बीच में बैंगन भी चेक कर लेते करते जाइए। 1 मिनट बाद हमें दूसरी साइड से भी इसे पलट लेना है और गैस को कर देना है ऑफ, क्योंकि ये कुक हो चुके हैं। बस 2 से 3 मिनट में ही हमारे ये बैंगन रेडी हो जाते हैं। अब हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच 1/4 चम्मच की ग्रीन हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, इन सबको डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मसाले जले ना इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेना है 1 मिनट के लिए। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें हमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देना है, क्योंकि खिचड़ी हमारी गाढ़ी है तो इसे थोड़ा पतला रखना है। ये पानी जब अच्छे से बॉयल होने लग जाए तो इसे हमें खिचड़ी में डाल लेना है। कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल हमें सही रखनी है, खिचड़ी ज़्यादा गाढ़ी होगी ना तो रखी रखी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इसे हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेंगे, 4 से 5 मिनट, ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए खिचड़ी की, जैसे जैसे ठंडी होगी ना और गाढ़ी हो जाएगी। बस हमें इसे इतना ही पतला रखना, तो कम से कम इसमें 4 से 5 गिलास पानी लग गया है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे और खिचड़ी को गरम गरम खाने का मज़ा ही अलग है, तो आप इसे गरम गरम ही खाना, ऊपर से घी डाल लेना अगर आपको चाहिए तो। है ना इजी सी रेसिपी, जब कभी खाने बनाने का मन ना हो या कुछ डिफरेंट खाने की चाहो तो इसे ज़रूर ट्राई करना, और इसके साथ ये बैंगन और स्वाद बढ़ा देंगे उसका। ऊपर से ये सॉटे की हुई वेजिटेबल्स, खिचड़ी के अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं तो थोड़ी सी मैश हो जाती है, उसका टेस्ट मिक्स हो जाता है। इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको एक एक सब्जी का टेस्ट आएगा, उसके साथ हरी हरी मिर्ची, उसके ऊपर हम ये बैंगन का जो मसाला हमने रेडी किया था ना वो डाल देंगे थोड़ा सा। तो बस रेडी है हमारी चटपटी सी मिर्ची, खिचड़ी के साथ इनका मज़ा ही अलग हो जाएगा। इस तरह से आप खिचड़ी बनाना, इसके ऊपर से जो बचा हुआ मसाला है ना बैंगन की चाट मसाला और काला नमक वो डाल देंगे और थोड़े से मटर डाल देंगे। बस रेडी है हमारी झटपट वाली खिचड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसके साथ वेजिटेबल्स भी है तो ये हेल्दी भी हो गई है और बनाने में आसान भी। जब कभी कुछ डिफरेंट खाने की इच्छा हो तो इसे ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर इस तरह से खिचड़ी बना के खिला दोगे ना एक बार सबको तो वो बिरयानी भी खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है खाने में। इसमें फिर सब्जियां भी है सॉटे की हुई और बैंगन भी, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वीकेंड स्पेशल रेसिपी हो जाएगी आपकी ये, फिर आप कभी भी बना सकते हैं जब भी हल्का फुल्का खाने का मन हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे इंजॉय करिए।